कहीं देवला बैणा तूला भनार हो, तुम्हें पुतलो का बैणा छमराट पड़ी हीरो हो, तुम हरो छो बैणा कंचनी को नाचो। तो सबसे पहले अपनी इष्ट देवी को ही याद किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तेरे को हम लेटेंगे, मतलब आमंत्रित करेंगे। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने आपको मिलवाया था जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी से, और आज मैं आपको रूबरू करा रही हूँ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल जी से। डॉक्टर कुकसाल करीब 40 वर्षों से लेखन कर रहे हैं और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अभी तक कई किताबें आ चुकी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं आपके लेखन की यात्रा से। आपको करीब 40 साल हो गए हैं लेखन करते हुए, तो इस यात्रा को कैसे देखते हैं? और पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि संतुष्ट हूँ और लेखन की प्रेरणा अभी भी आगे के लिए पूरी बरकरार है। और अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से जीवन को जैसे देखा, जो सामाजिक जीवन में जो लोग रहे उनके साथ जो सीखा देखा, तो वही मेरे लेखन के अंदर आया हुआ है। तो जब आपने लेखन शुरू किया तो सबसे पहले क्या लिखा और आपको लेखन की प्रेरणा किससे मिली? देखिए, मेरी स्कूलिंग टिहरी में हुई और टिहरी में जो पिछली शताब्दी का जो 70 का दशक था, वो एक आंदोलन और जन चेतना का दशक था, चिपको का दशक था, यूनिवर्सिटी आंदोलन के दशक थे बहुत छोटे में। तो टिहरी में पढ़ते हुए विद्यासागर नौटियाल जी को अक्सर हम लाइब्रेरी में देखा करते थे, और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि घर में पढ़ाई लिखाई का हुआ था, पिताजी को बहुत शौक था उपन्यास पढ़ने और साहित्यिक, उसी तरीके से दादाजी को था, तो वो एक अपने अंदर थी और उसको जो उभारा वो विद्यासागर नौटियाल जी या सुंदरलाल बहुगुणा जी या तमाम टिहरी के मेरे उस समय के साथी या जो मेरे अग्रज थे उनके साथ के का, तो वो एक सामाजिक लेखन का कार्य शुरू हुआ। सर, अभी तक आपकी कई मुद्दों पर 8 से ज्यादा किताबें आई हैं, तो कैसे इस यात्रा को देखते हैं? ये यात्रा, ये जो भी मैंने लिखा है वो जो समाज में जिस रूप में जी आज मैं कई नौकरियों में रहा, और एक सुखद पहलू इसका नौकरियों का ये रहा कि फील्ड जॉब में ज्यादा रहा, तो मेरा लेखन भी यात्राओं से और घुमक्कड़ी से उसका वास्ता था, इसलिए दोनों के बीच में, नौकरी और लेखन के बीच में कभी कोई अवरोध जैसा नहीं आया, क्योंकि मैं अक्सर फील्ड में उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में तमाम जगह पर रहा, तो जिस तरीके से नए लोगों से मिलना, नए स्थानों पर जाना, नई समस्याओं से परिचित कराना अलग तरीके से, और क्योंकि लेखन जेहन में था तो उसको फिर उतार के वो किया। करीब 85 के करीब जो हम लोग एक ग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ में प्रोफेसर बी के जोशी जी के अंडर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और उसके अंदर पूरे पहाड़ के 15 ब्लॉक के 76 गांव पे हमने लगभग 6 महीने तक ट्रैक किया, बहुत सारे साथी उसमें हमारे साथ रहे, और जब हमने वो 6 महीने बाद जब वापस आए तो उसको यात्रा मेरे मित्र हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, उनके साथ मिलकर के एक सीरीज यात्राओं की और जो नैनीताल समाचार में भी छपी, और उससे अपना यात्रा लेखन शुरू किया और वो क्रम फिर आगे और बढ़ता चला गया। तो आपका कोई फेवरेट राइटर? क्योंकि शुरुआत विद्यासागर नौटियाल जी से की और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में मैं लिखता हूँ, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि विद्यासागर नौटियाल जी का जो पूरा हिंदी साहित्य का लेखन है वो पूरे इस पहाड़ की पीड़ा और पहाड़ के दुख दर्द और उससे लिखते हैं, तो निश्चित रूप से एक मेरे रहे हैं। वैसे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को बहुत पढ़ा, या उनको कहें कि आज भी प्रेमचंद बड़े समसामयिक है, और अगर हमें हिंदुस्तान को जानना है तो मुझे लगता है कि पहाड़ को जानना है तो विद्यासागर नौटियाल जी को पढ़ें, और अगर पूरे हिंदी साहित्य और हिंदुस्तान को जानना है तो प्रेमचंद को पढ़ें। तो इन लोगों से किया और गाय बगाए अभी भी मैं इन लोगों को और लोगों को भी पढ़ता हूँ। सर, आपको घुमक्कड़ी का शौक है जी। अभी आपका एक यात्रा वृतांत आया है परियों के देश खेट पर्वत में जी। तो इसमें कहा जाता है कि ये पर्वत पर जो है परियां रहती हैं, आछरियां रहती हैं, तो कैसा अनुभव था आपको इस यात्रा के दौरान?
देखो खेट पर्वत की जो है, हम हर पहाड़ के, और चाहे वो गढ़वाल से हो चाहे कुमाऊं से हो, जो खेट की जो आँचरियाँ हैं, जैसे गढ़वाल में उसको आँचरियाँ कहते हैं, जिसको अप्सराएं, परियां, ये तमाम चीज़ें कहें, और आँचरे या अप्सराएं वो कन्याएं, देव कन्याएं होती हैं जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई होती हैं। और ये कहा गया जाता है, या हमारे बचपन से ही ये चीज़ें रही हैं कि खेट की जो आँचरियाँ हैं उनके कई किंवदंतियां हैं। जीतू बगड़वाल जो कि गढ़वाल के मिथक और लोक कथाओं का हीरो रहा है, कि उसको उन्होंने हरा, मतलब उसका अपहरण किया, और उन दोनों के जो संवाद हैं वो कहीं ना कहीं बचपन में हम लोगों ने बहुत सुने हैं। तो बहुत एक इच्छा थी, और बहुत लंबे समय बाद उस खेत पर्वत में जाने का एक नया ही अनुभव था। आज की तारीख में भी वहाँ जाते हुए जो रोमांच होता है, तो आज से 50-100 साल पहले या उससे भी पहले कितना रहा होगा ये हम लग सकते हैं। तो वो एक यात्रा वृत्तांत है, और उस किताब में और 5 और यात्रा वृत्तांत है जो तमाम और जगह से रिलेटेड है। अच्छा, मैं इस किताब को देख रही थी, तो इसमें आपने गढ़वाली में भी लिखा है, तो उसमें देखें अगर हम, तो ये क्या जैसे लिखा है? नीति के बुनेलो तोय की बैणा, पूजी की पठोलो हो, दुकनी देवला बैणा, तूला भनार हो, तुम्ही पुतलो का बैणा, छमराट पड़ी हीरो हो, तुम हरो छो बैणा, कंचनी को नाचो। ये एक है कि कभी भी किसी भी परिवार में अगर कोई शुभ काम शुरू होता है तो सबसे पहले अपनी इष्ट देवी को ही याद किया जाता है, और उससे कहा जाता है कि तेरे को हम नियोतेंगे, मतलब आमंत्रित करेंगे, और फिर पूछ करके, मतलब तेरी पूजा पाठ करके, तेरे को अच्छे से उपहार दे करके तेरे को विदा करेंगे। इसलिए क्योंकि इस हमारे स्थानीय समाज में गढ़वाली और कुमाऊनी में जो इष्ट देवियाँ हैं या आचरियाँ हैं, उनको बहन का एक या माँ का रूप दिया गया है। बहन और माँ इसलिए किया गया कि वो हमारा अनिष्ट न करें, सुख समृद्धि आए, वो एक बात की बात है। तो उनको, क्योंकि जिस तरीके से अपने जो ध्यान कहते हैं अपने पुत्रियों को, अपने कन्याओं को, तो उसको भी ध्यान कहा जाता है। सर, आपकी एक किताब आई थी चले सात पहाड़, इसके लिए आपको राहुल संकीर्तन पर्यटन पुरस्कार भी मिला, तो इसका अनुभव कैसा था? बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो बड़ा सुखद और बहुत एक उम्मीद वो रहा। और मैं चाहता हूँ कि घुमक्कड़ी का जो एक है, जैसे एक चीज है कि एक पर्यटक होता है, एक तीर्थयात्री होता है, एक शोधार्थी, एक अध्येता होता है, एक घुमक्कड़ होता है। घुमक्कड़ पे किसी चीज का दबाव नहीं रहता। घुमक्कड़ किसी न तो वो ज्ञान के लिए जा रहा है, न वो धर्म या आस्था के लिए जा रहा है। घुमक्कड़ी तो जहाँ जैसा जो मिल गया उस रूप में है। तो ये जो चले सात पहाड़ है, इसमें जो 10 यात्रा वृत्तांत है वो लगभग इसी तरीके से है, और अलग अलग, क्योंकि मेरा यह है कि जहाँ भी मैं गया, जिन भी लोगों से मिला, उनके पास दुख दर्द है, उनके पास तो उनकी विशेषताएं हैं, और जब हम वापस आते हैं, घुमक्कड़ अपने घर से बाहर जाता है किसी अलग समाज में, अलग जगह पे, तो जब वो जाता है तो उसका अपना रोमांच रहता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो किन चीज़ों को लेकर के आ जाता है, किन चीज़ों को, किन मन मस्तिष्क में उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, उनको फिर अपने लेखन के माध्यम से गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पाठकों को और तमाम जगह मेरे पे बहुत सारे मित्रों ने कहा, पाठकों के पत्र आए या उनके मैसेज आते हैं कि ये किताब बहुत उनको अच्छी लगी, एक पठनीय लगी, और इसको सराहा गया पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा, तो ये एक और अच्छी बात है। सर, आपकी किताब है उत्तराखंड का पर्वतीय समाज और बदलता आर्थिक परिदृश्य, ये आपने 1986 में लिखी। हाँ, चंद्रशेखर तिवारी जी, तो उसके बाद इसमें आपने 2 शोध यात्राएं लिखी हैं, और उसको 2016 में आपने दोबारा पब्लिश किया। तो पहाड़ के बदलाव को लेकर ये किताब है, और 30 साल में पहाड़ कितना बदला? 86 में हम लोगों ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते थे, युवा थे, 8 हम मित्र थे, और हमने 6 महीने तक पूरे पहाड़ के 76 गांव में भ्रमण किया और 15 ब्लॉकों के, उसके बाद उसको एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा जो पब्लिश हुआ। और फिर एक विचार आया जब 2016 के करीब मित्रों से एक बातचीत हुई कि यार हम लोग
उस यात्राओं को जो 86 में हमने अपने युवावस्था में की, हम अपने इस सयानेपन की उम्र में देखें पहाड़ को फिर से। तो बहुत सारे मित्रों को पास समय और तमाम चीज़ें, तो हम दो मित्र, मैं और मेरे मित्र चंद्रशेखर तिवारी जी, हम दोनों भी चीज़ों को गए और कह तो नहीं सकते कि पूरी तरीके से वही यात्रा उन सब जगह तो नहीं जा पाए, लेकिन 70% जगह पे हम लोग गए। और मुख्य मकसद ये था कि जिन जगहों पे, जिन लोगों से, जिन जिस विषय को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हमारे मन मस्तिष्क में 1986 में थे, वही 2016 में किस रूप में परिवर्तित हुए, और वो चीज़ें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कह सकते हैं कि विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से विकास हो, बहुत सारी चीज़ें हुआ हैं, लेकिन उसके आयाम कुछ गड़बड़ाए भी हैं। शिक्षा का जैसे हम बात कर सकते हैं कि जहां उस समय बहुत कम बच्चे स्कूलों में जाते हुए दिखते थे और बालिकाएं तो दिखती ही नहीं थी, आज जब हम 2016 में उन तमाम गांवों में गए तो बालिकाएं ही ज़्यादा दिखाई दे रही थी स्कूल में जाते हैं, बहुत पढ़ रही थी, अच्छी उसमें पढ़ रही थी। और लेकिन उस शिक्षा को स्थानीय परिवेश से जोड़ने में हम कामयाब रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो पलायन की बात हम लोग करते हैं, या स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां हम पहले कहते थे कि 30-40 किलोमीटर तक बीमार को ले जाना पड़ता है, ये कहा गया कि गांव में हॉस्पिटल दूर है और शमशान घाट नज़दीक है, ये एक बात है। आज ये अभी तक थोड़ा बहुत कम हुआ है, ये बातें मान सकते हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ें हैं। लेकिन हॉस्पिटल गाँव के अंदर तो खुल गए, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं है, हॉस्पिटल को के अच्छे डॉक्टर नहीं है, या इक्विपमेंट नहीं है, या उस तरीके की चीज। सर, आपकी आने वाली जो कुछ किताबें हैं, कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में बताइए। आने वाली तो निश्चित रूप से दिमाग में रहती है कि मैं ये भी करूँगा, और विशेष रूप से इस समय दो किताबों पे काम चल रहा है। एक तो पंच केदार, क्योंकि मैंने देखा अपनी घुमक्कड़ी में बहुत सारे मित्र, बहुत सारे यात्री या पर्यटक पंच केदार की यात्रा करना चाहते, क्योंकि उत्तराखंड शहर एक स्थल है और लोग पंच केदार की यात्रा, तो एक पंच केदार जो मैंने यात्राएं की, उन यात्राओं को लेकर के एक नई किताब आ रही है। और एक दूसरा ये था कि मेरे दिलो दिमाग में ये हमेशा रहा, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने गांव की तरफ भी रहता हूँ, तो बचपन में जो 12 साल की उम्र तक जो चाइल्डहुड होती है, वहाँ तक का जो गांव हमने आज से लगभग 60 साल पहले गुजारा, उसको लेकर के, उसकी मेमोरीज को लेकर के, उन लोगों को लेकर के, उस जगह को लेकर के, उन समस्याओं को, कैसे क्या बचपन था, उसको लेकर के ये किताब बहुत जल्दी आ रही है और लगभग इस साल तक वो आ जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर कुकसाल की लेखनी सामाजिक चेतना को आगे ले जाने में निरंतर प्रयासरत है। अगली कड़ी में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।